तभी कोई साहब लिख रहे हैं वहां चैट में लिख रहे थे कि पोर्न देखने का एडिक्ट हो गया हूं। अपने मन पर ही कब्जा नहीं है और ये सारा काम तुम करोगे अपने मन के सहारे, बिना मन के कर ही नहीं सकते। और इन सारे कामों में क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर। अभी तो बार बार कहते हैं इच्छा शक्ति। इसलिए बाबूजी मेरी कोई बात मानो ना मानो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मुझे गाली दो जमकर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान जो पहली चीज तुम्हारे जीवन में पैदा करेगा वो इंटरनल इम्यूनिटी नहीं, एक्सटर्नल भी पैदा करेगा। और कोई मैं अकेला आदमी हूं जिसने भी जगाने की कोशिश की। वैसे तुम देखो 5 बजे जब उठते हो, 4 बजे ये जो स्टाफ है यहाँ का, जब बेचारा उठता है 4 बजे तिलमिला जाता है, क्या नींद है सुबह 4 बजे। लेकिन सुबह 4 बजे से उठने से जीवन में 6 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, तो कम से कम मिलता ही। और तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो, जब पूरी दुनिया सो रही है तो तुम जग रहे हो। शक्ति। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। जो सिल्क रूट पे कब्जा कर लेता था वो बी पे नहीं आता था। महमूद गजनी सिल्क रूट पे कब्जा है तो बी में आए, लूटे पाटे चले गए, रुकता नहीं था। तैमूर लेम लूटा चला गया, नादिर शाह लूटा चला गया। जिसके पास होम कैडर है वो किसी दूसरे के कैडर में क्यों जाएगा? जिंदगी में उपलब्धि का जो मजा है वो अपनों के बीच है। अमेरिका सेटल हो गए तुम, 5,000 करोड़ रुपया कमा लिया, कौन देख रहा है? कमाया होगा। जीवन का सबसे बड़ा मजा, आज तुम उपेक्षित हो, निग्लेक्टेड, सबके साथ होता है। भगवान कृष्ण पैदा हुए, अब सबको पता था भगवान थे। कोई भगवान पैदा नहीं होता, लिख लेना डायरी में, लोग भगवान बनते हैं। तुम तो आईएएस बनने के लिए परेशान हो ना। इस देश में लोग भगवान बनते हैं। कैसे गुरुजी? ध्यान से। फिर तुम गुरुजी छेड़ दिए ध्यान की बात, सुबह का टाइम है ना। सुबह का टाइम है, सुबह अच्छा, सुबह का टाइम है। प्रेम करोगे मन इन्वॉल्व होगा, और करोगे मन इन्वॉल्व होगा, स्टडी करोगे मन इन्वॉल्व होगा, प्रेयर करोगे मन इन्वॉल्व होगा। तभी तो आज लोग दवा खा रहे हैं, मेडिसिन। वही तो दिखाया मिर्जापुर में अखंडानंद त्रिपाठी कि आजकल समाज में कई तरह के पतन हो रहे हैं, नैतिक पतन, सामाजिक पतन। ऐसे एक पतन और भी है, शीघ्र पतन। क्या समाज की इस परिस्थिति पे कैसा कमेंट किया है? तभी कोई साहब लिख रहे हैं वहां चैट में, लिख रहे थे कि पोर्न देखने का एडिक्ट हो गया हूं। अपने मन पर ही कब्जा नहीं है और ये सारा काम तुम करोगे अपने मन के सहारे, बिना मन के कर ही नहीं सकते। और इन सारे कामों में क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर। तभी तो बार बार कहते हैं इच्छा शक्ति। इसलिए बाबूजी मेरी कोई बात मानो ना मानो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मुझे गाली दो जमकर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान जो पहली चीज तुम्हारे जीवन में पैदा करेगा वो इंटरनल इम्यूनिटी नहीं, एक्सटर्नल भी पैदा करेगा। और कोई मैं अकेला आदमी हूं जिसने भी जगाने की कोशिश की। वैसे तुम देखो 5 बजे जब उठते हो, 4 बजे
ये जो स्टाफ है यहाँ का, जब बेचारा उठता है 4 बजे तिलमिला जाता है, क्या नींद है सुबह 4 बजे की। लेकिन सुबह 4 बजे से उठने से जीवन में 6 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। 4 तो कम से कम मिलता ही है। आठ बजे उठो, 4 घंटे जीवन के खत्म। और ये सबसे प्यारा समय होता है जीवन में, कोई वाइब्रेशन नहीं, सब सो रहा है, पूरा दुनिया सो रही है और तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो। जब पूरी दुनिया सो रही है तो तुम जग रहे हो। शक्ति बाबूजी, सदगुरु को ज्वाइन कर लो बाबूजी, सांभवी क्रिया करा रहे, टेक गुरु है, टेक, हर चीज टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दी उन्होंने। पंडित श्री श्री रविशंकर को ज्वाइन कर लो, सुदर्शन क्रिया। हाँ, ये देखो, इसलिए नॉर्थ इंडिया के जो राजा, ये देखो जी, अपने होम कैडर में जो सफल है वो दूसरे कैडर में कभी नहीं जाएगा। महमूद गजनी कभी सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, तैमूर सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, नादिर शाह सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, अहमद शाह अब्दाली सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि होम कैडर में सक्सेसफुल है। कौन सेटल होने की कोशिश कर रहा है? टर्क्स, क्योंकि सेंट्रल एशिया छिन चुका है उनसे, सिल्क रूट छिन चुका है। कौन सेटल होने की कोशिश कर रहा है? बाबर, क्योंकि सेंट्रल एशिया छिन चुका है। ये सारी कहानी इन रास्तों की है, पूरी हिस्ट्री। इसलिए ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यूक्रेन की लड़ाई, राजा और प्रजा, राजा किंग लड़ेगा और कॉमन पीपल भी लड़ेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं, जीवन हाई नहीं, दोनों के जीवन में युद्ध है। ये आई के लिए लड़ता है, ये ई के लिए लड़ता है। आई मतलब इंटरेस्ट, बाकी तुम कुछ भी करो इसके साथ, ये ईगो के लिए लड़ता है। इसलिए भिकमंगा है, ईगो कुछ होता ही नहीं दुनिया में। वक्त ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल लकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती। जाओ कभी हुमायूं के टूम पे, कुत्ते बैठे हुए हैं। कभी सिकंदरा जाओ अकबर के टूम पे, ईगो कुछ होता ही नहीं, इंटरेस्ट होता है। ये उसके लिए लड़ते हैं जो है ही नहीं। ब्राह्मण है हम, दलित है हम, मुसलमान है हम, ये है तुम जाहिल हो। दिमाग को गलत जगह नहीं लगाना है, लगाने ही नहीं। ये पीडब्ल्यूडी का टेंडर, रेलवे का टेंडर, सिंचाई विभाग का टेंडर, कन्या विद्याधन योजना का टेंडर, कस्तूरबा गांधी प्लान का टेंडर, तुम डीएम बनकर जब जिले में पहुंचोगे, सीडीओ बनकर, ये आएंगे तुम्हारे पास कि साहब साहब मुसलमान है, मैं भी साहब सलीम, आइए साहब बिरयानी खिलाया जबरदस्त। ये रूट बी का राजा सी पे कब्जा करना चाहता है, कौन? अशोक। कौन? हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन को यहां पे रोक दिया पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐसे पढ़ो हिस्ट्री को। फिर कौन? समुद्रगुप्त। फिर मेडिवल पीरियड में कौन ट्राई कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब। सारी हिस्ट्री इन्हीं रास्तों में तो रिवॉल्व हो रही है। और तुम रट रहे हो। दिमाग बहुत प्यारी चीज है, रटो मत, खोलो, समझो, देखो। कि जितने पुरोहित हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई पुरोहित, रट लिया बाइबल, रट लिया वेद, रट लिया कुरान, रट लिया, सब बटन दबाओ, टक 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 बोलना शुरू कर देते। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, ये देखो
थोड़ी थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कनेक्ट करो, थोड़ा बैठो, थोड़ा आंख बंद करो, सोचो। जिसने भी यहां के लोगों से दुश्मनी की वो मारा गया। करंट अफेयर ना, और ये गाइड बनते हैं नीचे आने के लिए। अलाउद्दीन समझदार है, वो राजा रामचंद्र से दोस्ती करता है, लेकिन औरंगजेब समझदार नहीं है, वो मराठों से दुश्मनी कर लेता है। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बहुत डेंजरस एरिया है, पूरा एरिया। क्यों? ज्योग्राफी ने इस एरिया को डेंजरस बना रखा है। ज्योग्राफी जी, कैसे? ये पूरा एरिया तुम फिजिकल मैप अगर उठा के देखो, अगर तुम्हारे पास है तो खोल के देखो फिजिकल मैप, यहां का, यहां तुमको दो कलर मिलेंगे, एक ब्राउन यानी प्लेटो, एक येलो यानी डेजर्ट। लेकिन अगर तुम रूट बी और सी खोलो तो तुम्हें एक कलर मिलेगा, ग्रीन। तो यहां की फिलॉसफी क्या है? नॉन वायलेंस, लिव एंड लेट लिव। वहां की फिलॉसफी क्या है? वायलेंस, किल और गेट किल्ड। यहां कौन महान है? चंगेज खान, कटाई। यहां कौन महान है? अशोक। नॉन वायलेंस बातें करता है वो, नॉन वायलेंस की है, बड़ा वायलेंट आदमी। उड़ीसा में पहुंचा, 1.5 लाख लोगों को मार डाला, मैसेज दे दिया पूरा कि बदतमीजी मत करना, वैसे तो मैं नॉन वायलेंट हूं, अहिंसा परमो धर्म, पर बदतमीजी मत करना।